जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये बहुत आसान, बहुत कम समय में एक ही वीडियो से आपको आगे और पीछे का कोई भी डेटा आप दे दीजिए, दिन निकाल देंगे। उसका तरीका मैं आपको नीचे समझा रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। आपको किसी भी प्रोग्राम, घर में, स्कूल में, जहाँ भी आप चाहें, आप इसको किसी का भी बर्थ डेट पूछ के उसका दिन बता सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है बहुत आसान है, आप ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कागज़, पेंसिल, पेपर, पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चलते फिरते इसको निकाल सकते हैं। अब आपको दोबारा मैं लिख कर भी इसको समझा देता हूँ। पहले आप किसी भी साल का 1 जनवरी का दिन कैलेंडर में देख लीजिए। मैंने 2000 पूरे का कैलेंडर में दिन देखा है, सैटरडे है 1 जनवरी का। 1 जनवरी के दिन से और आपको जो भी क्वेश्चन हो उस साल का 1 जनवरी का दिन निकलेगा। अब आप 2000 में से, जैसे हम 1945 का प्रोग्राम हमारा क्वेश्चन है, तो 1945 उसमें कम कर दीजिए, 55 बचेंगे। 55 में 13 लीप ईयर होंगे, 13 चौके 52, ध्यान कर लीजिए। 55 में 7 का भाग दीजिए आप, 7 × 7 = 49 कम करेंगे तो आपके 6 बच जाएंगे। इसमें 13 लीप ईयर आप जोड़ दीजिए, 13 × 6 = 19 हो गए हैं। और अब इसमें 2 × 7 का भाग दे दीजिए, 7 × 14, 19 × 14 कम करिए, 5 बच गई। ये 5 है, आप 2000 सन 2000 1 जनवरी का जो सैटरडे है वहाँ आप ले जाइए। वहाँ सैटरडे से आप या तो 2 दिन आगे गिन लीजिए या 5 दिन पीछे गिन लीजिए, मंडे आएगा। ये मंडे जो है आपका 1945 का 1 जनवरी का दिन हो गया। इससे आपको अब 7 मई का दिन निकलेगा। 1945 के 1 जनवरी के दिन से 7 मई 1945 का दिन निकलेगा। वो कैसे निकलेगा वो भी समझ लीजिए। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 28 कम कर दीजिए, 3 बचेंगे। फरवरी में 0 बचेगा, मार्च में 31 में 28 कम करेंगे, 3 बचेगा। अप्रैल में 28 कम करेंगे, 2 बच जाएगा। 3 × 3 = 6 = 8 हो गए हैं आपके, और 7 हो गए हैं 7 मई के, 7 × 8 = 15। अब इसमें भी आप 7 का भाग दे दीजिए, 1 बचेगा। अब ये 1 है, आप 1945 के 1 जनवरी के दिन के पास ले आइए। 1945 का 1 जनवरी का दिन है मंडे, यहीं से आपको गिनती शुरू करनी है। तो ये जो 7 मई का दिन है ये भी मंडे हो गया। हेलो एवरीवन, मैं नंदकिशोर चौधरी आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा। आप बस लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। I'm not going to do that.